स्वागत है आपका विकास फिटनेस गाइड में दोबारा। दोस्तों, मैं आपके लिए नए नए टॉपिक्स लेके आता रहता हूँ, तो पहले की तरह ही मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आऊँ। तो टॉपिक है, आज हम बात करेंगे व्हाट इज कंप्लीट प्रोटीन एंड इनकम्प्लीट प्रोटीन। आज हम दोनों प्रोटीन के बारे में बात करेंगे, कंप्लीट और इनकम्प्लीट प्रोटीन में डिफरेंस क्या है, और इन दोनों ये अलग अलग प्रोटीन कौन से प्रकार के होते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, स्टार्ट करें सबसे पहले तो आप हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दोबारा ना भूलें, ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ की अपडेट्स मिलती रहे। दोस्तों, देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोटीन, फर्स्ट इज एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल। अब दोस्तों, दो टाइप्स ऑफ प्रोटीन मैंने आपको बताया, एक तो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड होता है, एक होता है एसेंशियल अमीनो एसिड। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड का मतलब है जो प्रोटीन, ऐसा प्रोटीन जो आपकी बॉडी बनाती है, तो आपकी उसको आपको अलग से उसको लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है इस अमीनो एसिड को। प्रोटीन्स विच आर मेड बाय योर बॉडी कॉल्ड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड में कौन कौन सा हो सकता है, जैसे आपका आपका एलेनाइन हो गया, अर्जेनाइन हो गया, ग्लूटामिक एसिड हो गया, सिस्टाइन हो गया, प्रोलाइन हो गया, और मुझे सेलाइन हो गया, टेरोसाइन हो गया। तो ये सारे नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड है। और एसेंशियल अमीनो एसिड का मतलब है जो आपकी बॉडी नहीं बना पाती है, जिसको आपको डाइट से आपको लेना पड़ता है, अपनी डाइट में शामिल करना पड़ता है, बिकॉज इट कैन नॉट बी मेड बाय द बॉडी, दिस इज कॉल्ड एसेंशियल अमीनो एसिड। तो जो प्रोटीन आपकी बॉडी नहीं बनाती है अमीनो एसिड, उन्हें एसेंशियल अमीनो एसिड कहते हैं। अब दोस्तों, एसेंशियल अमीनो एसिड को लेने का तरीका यही है कि इसको आपको अपनी डाइट से लेना पड़ेगा। इसका जो अच्छा अमाउंट, इसके एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, जैसे एस्टिडाइन हो गया, आइसोल्यूसिन हो गया, ल्यूसाइन हो गया, लाइसिन हो गया, मेथनाइन हो गया, फेनेलाइन हो गया, थेरोनाइन हो गया, ट्राइप्टोफैन हो गया, वेलाइन हो गया। आपने ब्रांच चेन अमीनो एसिड का नाम तो सुना ही होगा। तो ब्रांच चेन अमीनो एसिड के अंदर सारे एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं, क्योंकि दे आर कंप्लीट प्रोटीन सोर्सेज, और क्योंकि ये आपके मसल्स को ब्रेक डाउन होने से बताते हैं प्रोटीन। तो दोस्तों, एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, जब आप वे प्रोटीन लेते हैं तो वो क्या होता है, जब आप वे प्रोटीन अपनी बॉडी में जब आप डालते हैं तो वो अमीनो एसिड में कन्वर्ट होता है। अमीनो एसिड में कन्वर्ट होने के बाद आपके मसल्स को और सेल्स को रिपेयर करने में आपकी हेल्प करता है, और आपको बॉडी को एनाबोलिज्म में रखने में आपकी मदद करता है, और कैटाबोलिज्म में ले जाने से बचाता है। अब दोस्तों, ये तो बात मैंने करी इसकी अमीनो एसिड की, और दूसरी जो चीज़ है, अगर आप BCAA लेते हैं, जिसे हम कहते हैं ब्रांच चेन अमीनो एसिड, ब्रांच चेन अमीनो एसिड एक कन्वर्टेड फॉर्म है अमीनो एसिड की, ऑटोमेटिकली ऑलरेडी एक कन्वर्टेड फॉर्म है ये। जैसे आप अपनी बॉडी में बांधते हैं तो इसको अमीनो एसिड में कन्वर्ट होने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि ये ऑलरेडी कन्वर्टेड अमीनो एसिड में ही कन्वर्ट होकर आता है। जैसे ही आप इसे अपनी बॉडी में लेते हैं तो एज अ मसल फ्यूल की तरह आपकी बॉडी में काम करता है, आपको मसल ब्रेकडाउन से आपको प्रोटेक्ट करता है, और आपको ड्यूरिंग एक्सरसाइज आपके मसल ब्रेकडाउन से आपको बचाता है। तो दोस्तों, बस मैं इतना ही आज आपके लिए मैं टॉपिक लेके आया था, आपसे बताना चाहता था। और चीज़ और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, मुझे याद आ रहा है कि एक चीज़ है जो कम्प्लीट और इनकम्प्लीट जो प्रोटीन होता है ना दोस्तों, कम्प्लीट प्रोटीन का सोर्स जो है वेजिटेरियंस के लिए कम्प्लीट प्रोटीन बहुत कम मिल पाता है, वेजिटेरियंस को कम्प्लीट प्रोटीन। हाँ, पर ऐसा कुछ नहीं है, अगर वेजिटेरियंस को कम्प्लीट प्रोटीन बिल्कुल भी नहीं मिल पाता है। वेजिटेरियंस क्या करते हैं, एक दाल ले ली, एक किडनी बीन्स ले लिया, एक चिक पीज ले लिया, छोले ले लिए, या दाल, मूंग दाल, और अलग अलग उनको वैरायटीज ऑफ बीन्स, और वो अपने लेग्यूमिस आप इकट्ठे कर लेते हैं। उनको लेने के बाद अलग अलग दिन वो अलग अलग दिन खाते हैं, कभी अरहर की दाल खाते हैं, कभी मूंग की खाते हैं, कभी मसूर की दाल खाते हैं, कभी किडनी बीन्स और राइस खाते हैं, मतलब राजमा चावल खा लिया, कभी छोले चावल खा लिया। तो जो वेजिटेरियंस होते हैं हर दिन अलग अलग डाइट लेते हैं, तो समहाउ वो कहीं ना कहीं कंप्लीट प्रोटीन को इनकम्प्लीट बना लेते हैं। क्योंकि दोस्तों, अगर वेजिटेरियंस को कंप्लीट प्रोटीन अगर बिल्कुल भी मिलता है वो तो मर जाते यार, तो ऐसा तो कुछ भी नहीं है। कहीं ना कहीं इनका वेजिटेरियंस भी कंप्लीट प्रोटीन कहीं ना कहीं ले लेते हैं, उनकी बॉडी समाउ मेंटेन कर लेती है। अब बात रही नॉन वेज, नॉन वेज में जैसे आपका चिकन है, एग है, आपका वे है आ गया, आपका फिश हो गया, पनीर है, मिल्क प्रोडक्ट, जितनी भी डेयरी इंडस्ट्री है दोस्तों, ये सारा कंप्लीट प्रोटीन का सोर्स है। अब दोस्तों, मैंने आपको इसे बता ही दिया कि जो इनकम्प्लीट प्रोटीन है वो सारा वेज जो है इनकम्प्लीट प्रोटीन है, पर समाउ दे कंप्लीट। पर जो वेज नॉन वेजिटेरियन है, नॉन वेज जो आपका सोर्सेज हैं प्रोटीन के, वो है आपका चिकन, एग, फिश, तो ये सारे कंप्लीट प्रोटीन के सोर्स है। इनकी जो अमीनो एसिड जो चेन है वो बिल्कुल भी ब्रेक डाउन नहीं होती, ये प्रॉपर चेन होती है। और जो वेज प्रोटीन की जो चेन होती है वो बीच में से ब्रेक डाउन होती है, जैसे चेन यहाँ पे चल रही है, यहाँ ब्रेक डाउन हुई, यहाँ चल रही, यहाँ ब्रेक डाउन हुई, तो अलग अलग जगह से चेन ब्रेक डाउन होती रहती है। इसके कारण ये प्रोटीन जो है आपको कंप्लीट अमीनो एसिड प्रोवाइड नहीं कर पाता है, और आपको मसल्स को ब्रेकडाउन से इतना ज्यादा नहीं बचा पाता जितना कि इसे बचाना चाहिए, प्रोटेक्ट करना चाहिए आपके सेल्स को रिपेयर करने में। अब क्या है दोस्तों, चिकन और एग ये सब कम्प्लीट प्रोटीन का सोर्स है, मैंने आपको बता ही दिया। इनकी बायोलॉजिकल वैल्यू बहुत हाई होती है, इसलिए ये आपकी बॉडी को एनाबोलिज्म रखने में ज्यादा से ज्यादा हेल्प करते हैं।
वेज प्रोटीन की बायोलॉजिकल इतनी अच्छी नहीं होती है, बहुत धीरे धीरे डाइजेस्ट होते हैं, आपको इतनी जल्दी एनाबॉलिक में रखते हैं, पर अच्छा भी है बुरा, और इसका इफेक्ट भी है नॉन इफेक्ट भी है, दोनों ही है, दोनों तरफ से अपने अपने फायदे हैं दोनों प्रोटीन के। तो दोस्तों बस मैं आज इतने ही आपसे बात करना चाहूंगा। हाँ दोस्तों, अगर आपको बॉडी बिल्डिंग करनी है, मसल बिल्डिंग करनी है, तो आपको नॉन वेज प्रोटीन जो है कंप्लीट प्रोटीन का सोर्स लेना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आप मसल बिल्ड नहीं कर पाएंगे वेज डाइट के साथ, स्पेशली अगर अगर वेज डाइट अगर आप प्योर वेजिटेरियन है, तो आपको वेज डाइट के साथ आपको कुछ सप्लीमेंट्स का सपोर्ट लेना पड़ता है। पर मैं पहले भी कहता हूँ सप्लीमेंट पे डिपेंड होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, कोशिश करें अगर आप वेजिटेरियन, अगर आप एग का सहारा ले सकते हैं, एग स्टार्ट कर सकते हैं, तो जरूर करें, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। और दोस्तों सप्लीमेंट में डिपेंड होने की जरूरत नहीं है, सप्लीमेंट को सिर्फ सपोर्ट के लिए यूज कीजिए, होल सोर्स न्यूट्रिशन सप्लीमेंट को बिल्कुल भी यूज मत करना, उससे कोई बॉडी नहीं बनती है, उससे सिर्फ साइड इफेक्ट्स होते हैं और कुछ भी नहीं होता है। तो आई थिंक दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, सो दिस इज विकास, हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।